देखिए 8th क्लास आज 15th मई की डायरी में हमारे चैप्टर नंबर 3 की हाफ की रिवीजन है। पेज नंबर जो इंक्लूड होंगे इसमें वो है पेज नंबर 32 to 36, और जो टॉपिक्स आज हम इसमें रिवाइज करेंगे वो हैं बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन है, देन रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम्स जीन्स एंड डीएनए एंड डीएनए एप्लीकेशन, और उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। आपको मैंने यहाँ से डेफिनेशन आपने करनी है, इस पैराग्राफ में से आपको बताया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज होती हैं फर्मेंटेशन, टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, इन सब की डेफिनेशन और इन सब की डिटेल भी आपको बता दी हुई है। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन मैं एक दफ़ा फिर से आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प और बेनिफिट ह्यूमन बीइंग्स, यानी इंसानों की भलाई के लिए, उनकी मदद करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो होते हैं मोस्टली बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ से सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ आपका और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है कि आपको लेक्चर में साथ साथ बता दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पेज नंबर 33 पे रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम्स डीएनए एंड जीन्स हैं। क्रोमोसोम्स आपको पता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में हमारे अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन सेल की, तो उसमें एनिमल सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। ठीक है, और डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा डीएनए के सेक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं जीन्स, और जीन्स आपको पता है बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं टू मेक स्पेशल प्रोटीन्स, ये आपके क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना हुआ है। डीएनए का स्ट्रक्चर ये इस तरह से होता है डबल हेलिकल, और इस पर जिस तरह से ये एक सेक्शन है, एक दूसरा सेक्शन है जीन 1, जीन 2, और जीन किस तरह का होता है, इंस्ट्रक्शंस किस तरह से होती हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में होती हैं, वो यहाँ पे आपको दिखा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है टू मेक एन एग्जैक्ट कॉपी, यानी जिस तरह की एक चीज़ पहले से मौजूद होती है बिल्कुल उस तरह की दूसरी एक चीज़ बनाना, उसको कहेंगे रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनती है, और इट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस और एंड बिफोर सेल डिवीजन ड्यूरिंग इंटरफेज। ये वाली बात भी आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी हुई है। अब डीएनए रेप्लिकेशन में 2 स्टेप्स होते हैं, यहाँ से मैं आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसकी अनवाइंडिंग होनी होती है। अनवाइंडिंग यानी ये इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में मौजूद है तो वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप के 2 फेजेस होते हैं। जो सेकंड फेज़ है उसमें ये होगा कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए स्ट्रैंड्स, वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और जो सेकंड स्टेप है उसमें ये होगा कि आपके जो सेकंड स्टेप के फर्स्ट फेज़ में ये होगा कि जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएंगे तो न्यू न्यूक्लियोटाइड से एक न्यू स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा, और इसके सेकंड फेज़ में 2 डॉटेड डीएनए बन जाएंगे। ठीक है, एक इसमें होगा ओल्ड स्ट्रैंड, यानी जो ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल हमने यूज़ किया था, पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल था, एक उसका स्ट्रैंड होगा, और एक न्यू स्ट्रैंड होगा, यानी जो न्यू न्यूक्लियोटाइड से यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड बना है। ठीक है, ये डीएनए रेप्लिकेशन है। इस तरह से जो डीएनए है वो अपने एग्जैक्ट रेप्लिका, अगर वो डॉटर डीएनए हुआ तो जाहिर सी बात है वो उसके एग्जैक्ट रेप्लिका होंगे, तो ये डीएनए अपने एग्जैक्ट रेप्लिका इस तरह से बना लेता है। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। सबसे आपको पता है जीन्स पे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं स्पेशल प्रोटीन्स बनाने के लिए। ठीक है, अब उन्हीं जीन्स को हम यूज़ करते हैं आगे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि हम उन इंस्ट्रक्शंस को, अगर एक में वो प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में और दूसरे में वो प्रेजेंट नहीं है, हम उसमें यूज़ कर सकें। ठीक है, और इस प्रोसेस को जिसमें हम आइसोलेशन ऑफ जीन फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म एंड इंसर्शन इनटू ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म करते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और डोनर ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? डोनर ऑर्गेनिज्म वो होता है जो डिलीट करता है जीन को, और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वो होता है जो एक्सेप्ट करता है फॉरेन जीन को। ठीक है, इसके बाद में आपका यहाँ पे बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बैक्टीरियल सेल में डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, क्रोमोसोम्स इस तरह से साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जिसमें एडिशनल सर्कुलर पीसेज ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स, इन प्लाज्मिड्स की वजह से ही
हम बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये भी मैंने आपको मनवा दिया हुआ है जब मैंने आपको लेक्चर बताया था कि वाई बैक्टीरिया आर मोस्टली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो उसकी दो रीजंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड सेकेंड फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स विद इन 20 मिनट्स, यानी जो बैक्टीरियल सेल की डिवीजन होती है 20 मिनट्स में एक सेल डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन अ बैक्टीरियम, जब जीन को एक बैक्टीरिया से दूसरे डोनर सेल से लेकर बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किस तरह से करते हैं, ये सारे प्रोसेस की स्टेप वाइज डिटेल है, ये भी मैंने आपको क्लास जब मैंने लेक्चर किया था तब डिटेल बता दी थी। यहाँ मैं आपको एक दफ़ा डायग्राम से रिवाइज कर देती हूँ। ये आपका डोनर सेल है, ठीक है, डोनर सेल यानी जिसने जिसके अंदर डिज़ायर्ड इंस्ट्रक्शन वाले जीन प्रेजेंट हैं और इस जीन की हमें ज़रूरत है। ठीक है, अब इसको हमने इस जीन को रेप्लिकेट कराने हैं तो क्या होगा कि इस इसमें से हम जीन निकालेंगे। ठीक है, जीन कट फ्रॉम डोनर सेल और इसके बाद ये बैक्टीरिया है इसका प्लाज्मिड्स को हम यूज़ करेंगे उस जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड्स को यहाँ से कट करेंगे जिस पर यहाँ पे आके जीन अटैच होने हैं। अब इस जब जीन को डोनर सेल से कट करने के लिए और प्लाज्मिड को यहाँ पर कट करने के लिए हम एक ही सेम एंजाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से प्लाज्मिड कट हो गया, यहाँ पर जीन को प्लाज्मिड के साथ अटैच कर देंगे और इसके बाद इस प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया में दोबारा से इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब इस बैक्टीरिया को हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद जब ये वाला बैक्टीरिया डिवीजन स्टार्ट करेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम डिवाइड्स, तो ये डिवीजन स्टार्ट करेगा तो ये कॉलोनी बनाना शुरू कर देगा। तो कॉलोनी यानी एक जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और इस केस में डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, अब उस कॉलोनी में जो भी जीन हमने इसके अंदर इंसर्ट किया था, इस पर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी स्पेशल प्रोटीन्स बनाने के लिए, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जितने भी बैक्टीरिया यहाँ पे बनेंगे, दो हैं, उसके बाद ये डिवीजन करेगा, दो इससे बनेंगे, दो इससे बनेंगे, ठीक है, उन सब बैक्टीरियाज़ में वो वाली इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होंगी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब वो वाली इंस्ट्रक्शंस को अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, आपने देखा है कि इंसुलिन बनाने के लिए, डिफरेंट वैक्सीनेशंस बनाने के लिए काम आती हैं। ठीक है, इतना ही आपका फर्स्ट हाफ है, रिवीजन है ये आपकी, इसको आपने देख लेना है, इसमें से जो भी आपको नहीं समझ में आएगी आप क्लास में आके मुझसे पूछ सकते हैं।